जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य भर में इंटरनेट सेवा पहले हाफ में बंद रहने से लोग काफी परेशान रहे। विद्यार्थियों ने जहां इंटरनेट सेवा बंद रहने की तारीफ की, वहीं व्यापारी वर्ग और आम लोगों ने इसके लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे हजारीबाग से संवाददाता फलक शमी। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर के राज्य सरकार ने झारखंड के 2400 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये इंटरनेट सेवाएं को बंद किया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। झारखंड में पहला ऐसा मौका है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। ऐसे में कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कई स्टूडेंट्स भी हैं। आज इंटरनेट सेवा जो है वो बंद किया गया है एग्जामिनेशन को लेकर के, कैसी पहल सरकार की है? अच्छी है, मतलब जैसे पेपर लीक होते रहता है हमेशा, इसके वजह से एक अच्छा कदम लिया गया है इसके सरकार की तरफ से। इंटरनेट सेवा बंद किया गया है 2 दिन के लिए एग्जामिनेशन को लेकर के, क्या कुछ समस्या हो रही है? नहीं, ठीक है भाई, कि अगर इंटरनेट रहता है तो पेपर ऊपर लीक का जो माहौल रहता है बहुत ज़्यादा होता है। ये तो अभी 1 दिन का लिए, 1-2 दिन के लिए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं है। क्या कि देखिए इंटरनेट रहता है तो स्टूडेंट लोग होता है कि इंटरनेट द्वारा जो होता है कॉपी वगैरह भी लीक हो जाता है, तो सही कहा किया गया है, तो 1-2 दिन में कोई दिक्कत। कल चल करके आप लोगों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, और ऐसे में अगर अभी से सरकार ने ये इनिशिएट लिया है तो ये स्वागत ही हो गया। हाँ हाँ, तो वही है कि अगर अभी होता है, देखा जाता है कि नेट का प्रॉब्लम तो है स्टूडेंट का, बहुत लोगों का स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है 1-2 दिन अगर नहीं रहता है तो। क्या क्या एग्जामिनेशन को लेकर के क्या आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, इंटरनेट का इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेट बंद करने के कोई उचित नहीं है इसमें। मान लीजिए हमेशा एग्जाम होगा तो हमेशा इंटरनेट सरकार, विदेश में तो कभी बंद नहीं होता है, ये तो भारत में एगो पहला बना दिया है सरकार के, नए एग्जाम होगा तो इंटरनेट बंद। सीजीएल का एग्जाम है, उसे लेकर के राज्य सरकार के पहल से जो है वो इंटरनेट को बंद किया गया है, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आप? देखिए सीजीएल का एग्जाम है, पूरे झारखंड में है, और मेरी भी एक कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रही है। ये सीजीएल का एग्ज़ाम पिछले 6 महीना पहले ही, साल भर पहले ही होने वाला था, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से ये सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आप बताइए कहाँ कोई बिहार से कोई यूपी से कैंडिडेट आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, कितना खर्च हुआ और सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो उसको देखते हुए सरकार जो ये निर्णय लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए, ताकि फिर पेपर लीक ना हो। हमारे पीछे ढेर सारे जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं वैसे दुकान है, यहाँ पर लंबी कतारें लगी रहती हैं जब इंटरनेट सेवा बहाल होता है। ऐसे में आज जो इंटरनेट सेवाएं जो बंद हैं, यहाँ देखेंगे आपकी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई है ऐसे दुकानदारों को, यहाँ फुर्सत नहीं होता ऐसे बैठने का आप लोगों को। आज इंटरनेट सेवाएं बंद है, इस वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी नहीं दिख रहे हैं और वो काम भी नहीं होगा आपका, क्या लगता है? नहीं, वाईफाई या इंटरनेट सेवा तो बंद नहीं करना चाहिए, जहाँ एग्ज़ाम है वहाँ कैंपस में आप रेडियस अपना सेट कर दीजिए, उसके बाद वहाँ पे बंद करके रखिए। आप भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं? हाँ, इन्हीं का शॉप है भैया। सही हो क्या पसंद के साथ फलक शमीम, न्यूजीलैंड भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।